प्रदेश के बोर्ड स्कूलों में छात्रों को भाषा विषय में मनाचे श्लोक और भगवद गीता का 12वां अध्याय पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप SCERT ने राज्य विद्यालय पाठ्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि हमारे महाराष्ट्र में मनाचे श्लोक वर्षों से बोले जाते हैं, सुने जाते हैं, मुझे नहीं पता कि वे पाठ्यक्रम में है या नहीं। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये भी आरोप लगाया है कि इस संबंध में बयान देकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मला असं वाटतं की हल्लीच्या काळात त्यांना उद्योग उरलेले नाहीत, त्याच्यामुळे वाटेल तसे आरोप करायचे, काहीतरी बोलायचं चाललेलं आहे। मनाचे श्लोक जे आहेत हे या महाराष्ट्रामध्ये वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी म्हटले जातात, ऐकले जातात, बोलले जातात, त्यामुळे आता ते अभ्यासक्रमात आहेत की नाहीत हे मला माहिती नाही, मी ते काही तपासलेलं नाही। पण एक गोष्ट निश्चितपणे सांगतो, विनाकारण संभ्रम तयार करायचा हा जो प्रयत्न आहे हा चुकीचा आहे।